जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोटक न्यूक के ट्रेड फ्री यूथ प्लान के बारे में। भाई ये जो इनका भाई यूथ प्लान आया, ये मैंने परचेस किया था, लेकिन जब मैंने परचेस किया था वो था 299 का, फिलहाल इन्होंने कर दिया है 99 का। मतलब कंपनी पैसे बढ़ाती है, इन्होंने कम कर दिया यार, पहले ही कर रहे थे अपने 200 रुपये बच जाते। चलो लेकिन आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, इसके क्या प्रो एंड क्या कौन से, क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं। पहले तो 300 का था, अब तो सिर्फ 99 रुपये का हो गया है, लेकिन इसके प्रो एंड कौन से आपको जानने चाहिए। और देखो यार, इसमें होता क्या है, 299 का जब प्लान था और 99 में डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको हर जगह ब्रोकरेज फ्री मिलेगी अगर आपकी जो एज है वो 30 साल से कम है तो। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा तो आपके लिए अनदर प्लान्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें भाई देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भाई आपको फिर देनी पड़ेगी फीस 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, लेकिन इसमें आपको कोई भी पर ऑर्डर पर फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मैंने इसमें खूब सारी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखी है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती, लेकिन अभी जब टैक्स का एक गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अब आपको थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो क्या इसमें कोई फर्क आया? जी नहीं, कोई फर्क नहीं आया। टैक्स लगा जो STT, जो अपने GST जो टैक्स लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो थोड़ी बड़ी है, बाकी सब चीजों में ब्रोकरेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके क्या प्रो एंड क्या कौन से, इसमें क्या आपको भाई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले देखो मैं तो आपको एक एग्जांपल के लिए भाई यहाँ पे कोटक न्यू में एक इंट्राडे परचेस करके दिखा देता हूँ। भाई देखो यहाँ पे अगर मैं PNB का कोई भी स्टॉक चल रहा है, देखो भाई 115 रुपये करीबन है, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, और जब यहाँ पे मैं परचेस करता हूँ, देखो मेरे पास 25 रुपये थे, मैं 25 रुपये लगाए थे बस, और यहाँ पे टोटल 23 रुपये की मेरी कॉस्टिंग आई और मैंने इसको तुरंत ही भाई सेल कर दिया। देखो भाई मार्केट में मैंने सेल कर दिया। ठीक है, सेल करने के बाद यहाँ पे मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ, देखो कितने पैसे मेरे पास, भाई पूरे 25 रुपये, एक पैसा कम दिखा रहा है लेकिन 25 रुपये ही है। ठीक है, तो कोई भी मेरे को इंट्राडे में चार्जेस नहीं लगे। हाँ, जो गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह लगने होते हैं वो रात को भाई अपडेट हो जाते हैं, तो भाई वही 2-3 पैसे लगेंगे, इतने इतने से कोस्ट पे तो कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पर ऑर्डर में अगर मैं कितने भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ, कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, केवल 99 रुपीज़ का अगर आप प्लान ले लेते हो। ठीक है, साथ में इनके जो टूल्स हैं भाई वो भी काफ़ी सारे दे रखे हैं इन्होंने, ट्रेडिंग का भाई API का एक टूल दे रखा है, उसके बाद भाई इन्होंने एक इंस्टा ट्रेड का टूल दे रखा है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई भी फ्यूचर ऑप्शन में भाई जब बाइंग करनी है, कोई लोड परचेस करना है, तो चार्ट को देखते देखते ही आप परचेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है आपके लिए। और साथ में यहाँ पे जो इनकी वेब ट्रेडिंग है वो भी अच्छी है, देखो अगर आप स्कैन करके भाई अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कर लोगे तो सीधा वो लॉगिन हो जाएगा और उसकी डायरेक्ट एक्सेस आपको देखने को मिल जाएगी, और वो काफ़ी अच्छा है यार, अगर आपको PC पे ट्रेडिंग करते हो पूरा प्रोफेशनल लेवल पे, तो बढ़िया है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और दोस्तों इसमें ना एक कमाल का फीचर साथ में आता है डायरेक्ट एक्सेस का, ये एप्लीकेशन में कोटक न्यू में बड़ा खतरनाक सा फीचर है। जैसे मान लो आपके पास कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं 10 रुपये डिपॉजिट करता हूँ, तो भाई कोई OTP की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पे क्लिक किया, पैसे सीधा भाई इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यार ये अच्छा फीचर भी है, लेकिन गलती से किसी ने मेरा कोटक न्यू लॉगिन कर लिया और उसने ट्रेडिंग कर ली, तो मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा, वो 10,000 करेगा डायरेक्ट एक्सेस और भाई खत्म। लेकिन वही है कि कोटक न्यू में आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, बिना कोई पिन कोड के कोई लॉगिन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बार सोच के देखो, ये डायरेक्ट एक्सेस का ऑप्शन अच्छा भी है और एक तरफ से खतरनाक भी है, बिना OTP के सीधा पैसे यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, साथ में जो आप भाई प्लान ले रहे हो 99 रुपीज़ का, क्या ये अगले साल भी 99 रुपीज़ का रहने वाला है? जी नहीं दोस्तों, जो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आने वाला है वो है भाई 499 रुपीज़। अभी आपने 99 रुपये दिए, अच्छी बात है, अगले साल आपको इसको रिन्यू करने के लिए 500 रुपये करीबन पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कंक्लूजन की, क्या ये बढ़िया है क्या ये बेकार है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बताता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता था सुबह के टाइम पे, तेरे को आपको पता है मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है भाई, इतनी ज्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो होता क्या है ना, यहाँ पे ऑर्डर कभी कभी प्लेस नहीं होता। मैंने कई बार ऑर्डर लगाया, वहाँ पे प्लेस नहीं होता, मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, होता ही नहीं। एक इसमें ये चीज की ग्लिच होती है, ठीक है, और दूसरी ग्लिच इसमें ये होती है, जैसे मान लो मैं कोई भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके, देखो यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करके बोल दिया कि यार इतने मैं सेल कर दूंगा, ठीक है, लेट सपोज 102 रुपये में लिया, मैं कह रहा हूँ 110 में मेरा भाई यहाँ पे लिमिट लगा दी, इसमें सेल कर देना। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ काम करने की, चलो यार इतनी देर में हो जाएगा, मुझे पता मार्केट इतनी देर में ऊपर तो जाएगी, लेकिन होता क्या है, जब वो 110 रुपये के ऊपर भी चला जाता ना, 112 रुपये, 113 रुपये, तब भी मेरा ऑर्डर कई बार प्लेस नहीं हुआ है। ये मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, मेरे को था कि मेरा तो प्रॉफिट हो चुका होगा, मैं देखता हूँ मार्केट ऊपर भी गई होती है, लेकिन जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस ही नहीं हुआ होता। ये काफी बार मैंने इशू फेस किया, तो मतलब उनके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं जा सकते भाई, कंप्यूटर सिस्टम खुद संभाल लेगा, आपको खुद ही वहां पे खड़े होकर देखना पड़ेगा, अच्छा ये हो रहा है या नहीं, आप कहीं काम पे नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन कई बार मेरे साथ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ ही इशू हुआ है, मेरे को गुस्सा भी आया था, मैंने बोला भी था, पर वो कह रहे सर पता नहीं आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। मैंने यार भाई क्यों भाई,
मेरा प्रॉफिट हो रहा था हुआ नहीं, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट ये इसमें एक ग्लिच देखने को मिल सकती है। एंड अंत में भाई चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको चार्जेस लगता है वो कौन से है। तो देखो भाई सबसे पहले आपको एसटीटी चार्जेस लगेगा, फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस, और उसके बाद जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी। ये हर एप्लीकेशन में जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो ये गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, ये तो आपको देने पड़ेंगे। ब्रोकरेज नहीं लगेगी, और अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैंने देखा जैसे मान लो आप भाई 500 भाई लोट ले रहे हो, ठीक है, और सेल कितने पे कर रहे हो, सब कुछ आप डिटेलिंग चेक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा आपको कितना चार्जेस लगेगा कितने में, चाहे आपको एफएनओ में चेक करना है, इक्विटी में चेक करना है, सब में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये भाई ट्रेड फ्री जो यूथ प्लान है, अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट प्लान रहने वाला है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ग्लिचेस वाला थोड़ा सा इनका अगर इशू भाई सोल्व हो जाता, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे कोई दुश्मनी है मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ इसलिए मैंने बताया, कई लोगों के साथ नहीं भी हुआ होगा लेकिन मेरे साथ ग्लिच हुई थी तो मैंने अपना भाई एक्सपीरियंस बता दिया। बाकी अच्छा है, बाकी भाई देखो यार और कोई एप्लीकेशन में जाऊंगा उधर चार्ज कितने लग जाएंगे, इधर कोई चार्ज नहीं लगते, बट यही है कि एक इसका मिसयूज हो सकता है, वो ये ओवर ट्रेडिंग। कई लोग होता है ना कि यार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कह रहे हैं भाई चलो 20 रुपए तो पर ऑर्डर लग नहीं रहे तो वो ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अगर वो कर दोगे तो भाई फिर आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग मत कर देना कि भाई ब्रोकरेज नहीं है तो हम ट्रेड ही लेंगे, तो भाई लॉस में चले जाओगे। लिमिटेड ट्रेड लेना अगर आपको धीरे धीरे बिगिनियर हो, कोटक न्यू आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग पे थोड़े से कम ही ट्रेड लेना है, ज्यादा ट्रेड मत लेना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लॉस ज्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा फिर, ठीक है। ये मत कहना कि मेरी ब्रोकरेज नहीं लग रही, ब्रोकरेज का क्या भाई, अगर लॉस ही हो रहा है तो ब्रोकरेज को तो रहने दो यार, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, तो आई होप आपको ये स्मॉल सा रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं और आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।